उस तांत्रिक ने जो बात बताई वो अजमे वाली थी। मतलब उस तांत्रिक के हिसाब से जो भूत वगैरह होते हैं एक्टिव होते हैं 12 बजे रात के बाद, और उस वक्त हो रहा था 11:15। हेलो दोस्तों, हमारा चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। इसके सारे कंटेंट इंटरनेट से लिए गए हैं, इसको महज एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों एक पॉडकास्ट होने वाला है, बजट थोड़ा कम है तो एक माइक से कम चला रहे हैं हम, और जो पॉडकास्ट है ये होने वाला है भूतों के ऊपर। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, वो अभी कुछ देर में दिखाता हूँ आपको। वो अपनी रियल स्टोरी बताएंगे कि उन्होंने कहाँ फेस किया था, कौन सा भूत था, कैसा था और क्या क्या हुआ। तो आइए जुड़ते हैं। मेरा नाम राजेश है, बनारस का रहने वाला हूँ। राजा तालाब के पास मेरा एक गांव है, वहाँ पे एक सच्ची घटना है, उसको भूत बोल सकते हो, प्रेत आत्मा बोल सकते हो, एनीवाइज कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो घटना हमारे साथ घटी है 1987। तो 1987 और ये चल रहा है दोस्तों 2023। काफ़ी आपको क्या पूरा अच्छी तरह याद है? धुंधला ऐसा कि धुंधला नहीं, 1987 में मैं इंटरमीडिएट में था। अच्छा, और ऐसे जो दोस्तों ऐसी चीज़ें ना कोई भूल भी नहीं सकता, अगर हो इवन मेरे साथ भी एक दो हुआ है, अगली वीडियो में कभी मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब स्टार्ट क्या था, मतलब कैसे आपने फेस किया भूत, कैसे मिला आपको ऐसा? भूत हमें ऐसे मिला कि मई या जून का महीना था और हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर पे एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी, आज भी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हम वहाँ से गए, मछली वगैरह लेके आए, लेने के बाद कुछ सामान जो घर के जो छोटे मोटे होते हैं हम भूल गए। आने के बाद फिर हमारे बर्गर थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं फीस वगैरह वो कर रहा हूँ, तब तक ये सामान लेके आओ। हमारे यहाँ गांव का ही कोई आदमी था, साइकिल से मैं उसके वहाँ करीब 5 से 6 6 6 से 7 बजे का टाइम रहा होगा। और ये ठंडियों का टाइम था या मई जून का 6 से 7 तो उजाला रहता थोड़ा काफ़ी। हाँ, ओके। हम उसके साथ साइकिल से गए मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद हमने वो सामान लिए, कुछ लोग जो लोकल वाले थे वो मिल गए, वहाँ पर बातें करने लगे। वहाँ पर मेरे को 1 से 1.25 घंटा लग गया और उस वक्त बज रहे होंगे 7:30 से 7:45। उस वक्त अंधेरा हो गया था, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त देखो रातें दो होती हैं, एक अंधेरी रात होती है, एक चांदनी रात है। चांदनी रात में थोड़ा सा उजाला रहता है, लेकिन वो अंधेरी रात थी। अंधेरी रात मतलब अमावस्या वाला। तो मतलब आते वक्त आपको कितना बज गया था? 8:30 बजे, 7:30 से 8:45 के बीच में रहा होगा। हम वहाँ से निकले तो मेरे को अगल बगल देखा तो कोई गाँव का दिखा नहीं, मैं वहाँ से पैदल ही चल दिया। 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर का रास्ता था और हमारे यहाँ एक रोड है, रोड घूम करके आओगे तो 2 किलोमीटर शॉर्टकट है, 1.25 किलोमीटर हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। हाँ, शॉर्टकट हमने देखा दोस्तों, मूवी में भी शॉर्टकट लेते हैं तो भूत उतार जाते हैं। तो शॉर्टकट हमने रास्ता अपनाया, हार्डली वहाँ से करीब 500 से 600 मीटर चलने के बाद हमारे गाँव का ही है, उसको बोलते हैं झील। यहाँ की मतलब पानी भरा होगा तालाब, गांव में ताल बोलते हैं, ताल तो ताल दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं, ताल एक जगह होती है, मतलब एक छोटा सा तालाब आप कर सकते हो, तालाब तालाब होता है। तालाब में क्या है कि काफ़ी इतना गहरा नहीं होता, बट वो काफ़ी एरिया वाइज बहुत लंबा होता है, तो उसमें मछलियाँ भी मिल जाती हैं। ऐसे तालाब होते हैं तो अधिकतर जो, अगर मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में, अगर मैं पुरानी बातों को उठाऊं, अगर पुरानी मान्यताओं उठाऊं तो ताल के आसपास भूत रहते हैं ऐसा लोग बताते थे, तो क्या ये सही है? नहीं, रहते होंगे उतना मुझे आइडिया नहीं है। मेरे साथ ये हुआ कि उस ताल में मई जून के महीने में बहुत कम पानी, घुटनों से नीचे रहा होगा। हाँ, घुटनों से नीचे बहुत कम पानी था। मैं करीब 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक उसी ताल के बीच में मैं घूमता रहा। ऐसा मैं जिधर भी जाऊं मुझे पानी ही दिखे, मैं आगे जाऊं जहां पे मैं खड़ा था वहां से लगे कि 100 मीटर की दूरी पे रास्ता है, वहां जाऊं तो वहां लगे कि 100 मीटर की पीछे मैं छोड़ दिया। अच्छा, वो 100 मीटर आगे कभी जाता था, कभी 100 मीटर पीछे जाता था, 100 मीटर दाएँ जाता था, मतलब भ्रम में आ गया था, भ्रमित हो गया। भ्रम में क्या, वहाँ पर बचपन बीता है,
उस रास्ते से कम 250 बार जो है हम वहाँ से विजिट किए हैं, रास्ता है हमारे गांव का निकलने का। तब उसमें क्या है कि हम कभी आगे जाएं कभी पीछे जाएं, वहाँ पे हर जगह मुझे पानी ही दिखी। इसके बाद हम वहाँ पे करीब 10:45 हो गया, करीब 3-3.5 घंटा हम वहाँ पे पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो गए थे, पसीने पसीने हो गए थे, गर्मी का दिन था और इतने घर वाले भी परेशान थे। तो फिर गांव से ही 2-3 लोगों ने मिल करके जो है हमें ढूंढने के लिए गए। और कुछ दूर जाने के बाद किसी आदमी ने ये देखा कि उस ताल के आसपास कोई आदमी भटक रहा है। इसके बाद वो लोग गए, हमारे जाने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्यों, कैसे हो? हमने कहा कि पता नहीं क्यों मैं करीब 3 घंटे से ही घूम रहा हूँ। बोले क्यों? हमने कहा देखो हर जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन जब जैसे ही वो लोग आए, तीनों लोग वहाँ पे, जैसे ही नॉर्मल हमारे दिन में हुआ करता था वैसे ही रात को महसूस हुआ। होने के बाद फिर हम घर आए, घर आने के बाद में हमारे घर वाले उसके विषय पे गांव में थोड़ा सा चर्चा होने लगी। चर्चा होने के बाद सुबह जो है एक गांव के ही होते जो तांत्रिक उंत्रिक होते हैं, उनको बुलाया गया। उस तांत्रिक ने जो बात बताई वो अचंभे वाली थी। मतलब तांत्रिक गांव का था या फिर मतलब बाहर से? पास का ही था, बाहर मतलब नियर बाई का था। तांत्रिक ने जो बात बताई उसने बोला कि आप इस रास्ते से आए थे। फिर मैंने वो ध्यान दिया, हमने कहा 100% आए थे। बोला कि वहाँ पे आपको किसी आवाज़ एक बार दिखाई सुनाई दी। हमने कहा, फिर मैंने गौर किया तो हमने कहा हाँ आवाज़ दिखी। बोला आपने पीछे मुड़ करके देखा? हमने कहा देखा। बोला थोड़ी दूर आज जाने के बाद आपने बाथरूम भी किया था? फिर हमने कहा किया था। बोला वहीं पे जो है आपको वो 1 घंटा और घुमाता, क्योंकि उस तांत्रिक के हिसाब से जो भूत वगैरह होते हैं एक्टिव होते हैं 12 बजे रात के बाद, और उस वक्त हो रहा था 11:15। बोलता है 8 से आप 3 घंटे घूमे तो 11 के आसपास का टाइम रहा होगा। हाँ, तो वो जो मिला करके वो जो 2.5-3 घंटे के बाद में वो तांत्रिक ने बताया था कि आपको 1 घंटा और घुमाता होगा। इसके बाद जो घटना आपके साथ होती है, मेरे साथ वो होती उसके बाद, हालांकि वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन हाँ मैं वो महसूस करता हूँ कि जिस रास्ते से मैं 200 बार 250 बार अप डाउन किया हूँ, उस रास्ते पे मैं 2.5-3 घंटा अगर मैं भटक गया और अपने घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे वो ताल है, उस ताल पे अगर मैं 2.5-3 घंटा भटक गया तो कुछ न कुछ तो शक्तियाँ हैं, चाहे भ्रमित करने वाली हों, चाहे वैसे तो मैं बहुत सारे टूर किया हूँ, हर जगह कितनी घटनाएं हुई, लेकिन हाँ मेरे लाइफ में 3-4 घटनाएं ऐसी। उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आप उस रास्ते से वापस कभी गए? उसके बाद मैं कितनी बार गया, और शॉर्टकट रास्ता है, और उसके बाद कुछ हुआ? मैं नहीं, मेरा पूरा गांव उसी रास्ते से, जो पैदल जाता है उसी रास्ते से जाता है। उसके बाद कुछ घटना और सुनाई दी? नहीं, उस रास्ते पे वहाँ पे फिर इसके बाद। अच्छा, तो दोस्तों जैसे इन्होंने बताया कि ये जो इनका दिमाग भ्रम हुआ था, मतलब मति भ्रम बोल सकते हैं, मति मतलब दिमाग और भ्रमित, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ऊपर सबकॉन्शियस माइंड के, तो ये केस आ सकता है उस टाइप पे, क्योंकि मैं इतना सर्टिफाइड नहीं हूँ चीज़ें बताने के लिए। तो आप अगर गूगल करोगे, इवन कोई अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उस पे आप ये वीडियो दिखा के पूछ सकते हो तो बता देगा एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ होगा इनके साथ। तो इनका मानना है कि इनको किसी भूत ने मति भ्रम कर दिया था, जो तांत्रिक ने बताया था। तो ऐसी ही स्टोरी हम और भी लाने वाले हैं, तो ऐसे ही जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं और भी स्टोरी से पूछने लूँगा, तो ऐसी स्टोरी को यहाँ ही रखते हैं। बाकी 2-3 पार्ट में और भी वीडियो लाएंगे इनके साथ, जो 2-3 जो बता रहे हैं घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे जीमेल या फिर कॉमेंट, आपको जैसा सही लगे आप मुझे भेज सकते हो। जीमेल मेरा है highlymysterious@gmail.com, मैं नीचे दे दूँगा, और उस पर आप कहानी भेज सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो पक्का मैं अगले दिन पॉडकास्ट में सुनाऊंगा।
और शॉर्ट आउट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।